दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक कमेंट मेरे पास आया हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी की बचत मतलब एनर्जी की बचत, बिजली की बचत हम कैसे कर सकते हैं अधिक से अधिक। तो इस वीडियो को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लगभग 40% तक आप बिजली की बचत कर पाएंगे। 40% की बिजली की बचत बहुत होती है। मान लीजिए आपके यहाँ पर 1,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है और 40% मतलब ये हो गया कि आप 400 रुपये तक की बिजली की बचत कर सकते हैं अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि बिजली की बचत में ये नहीं है कि आप किसी स्पैम को करते हैं, किसी मतलब चोरी को करते हैं, बीच में जो तार काट करके लोग करते हैं वो करते हैं, नहीं। मैं आपको यहाँ पर एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, एकदम से छोड़ के मत चले जाइएगा, आपको निश्चित ही एक अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर आपके घर का जो बोर्ड है, डोमेस्टिक बोर्ड है, जहाँ पर पंखा या ट्यूबलाइट वगैरह जलाने के लिए जो बोर्ड होता है, उसमें इस प्रकार से इंडिकेटर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो यह इंडिकेटर अगर पुराना वाला इंडिकेटर लगा हुआ है, जो कि बल्ब वाला इंडिकेटर होता था ना, बल्ब इसमें होता था, एक नियॉन बल्ब होता था, वो वाला बल्ब वाला अगर इंडिकेटर लगा हुआ है, तो आप इस इंडिकेटर को बदल दीजिए। कारण क्या है कि इस पर एक फिल्म भी बनी थी, शायद आपको पता हो, कि बिजली गुल मीटर चालू, तो वो फिल्म भी बनी थी कि यह इंडिकेटर के ही ऊपर बनी हुई थी। तो उसमें क्या था कि यह इंडिकेटर जो है, एक एग्जाम्पल हम अगर हम ले लेते हैं कि अगर 5 वाट का भी इंडिकेटर है, ठीक है, तो 1 घंटे में 5 वाट करेगा, तो 24 घंटे में यह कितनी बिजली खपत करेगा आप कैलकुलेट कर लीजिए, और ×30, 1 महीने में बिजली कितनी खपत करेगा, ×12 कितनी बिजली खपत करेगा, और आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि यह कितनी बिजली की खपत करता है। यह इंडिकेटर बहुत ज्यादा बिजली खपत करता है। तो अगर आपके यहाँ पर बल्ब वाला इंडिकेटर लगा हुआ है तो उसको चेंज करके आप LED वाला इंडिकेटर लगा लीजिए, और हो सके तो आप इस इंडिकेटर को हटा ही दीजिए, क्योंकि इससे बिजली की खपत बहुत ज्यादा वेस्ट होती है, बिजली बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। अगर नहीं आपको जरूरत ही है तो आप LED वाला इंडिकेटर लगाइए। दूसरी चीज क्या है, यह जो हमारा मॉस्किटो रिफिल होता है, अच्छा यहां पर एक चीज ये देख लीजिए, यह जो इंडिकेटर होता है ना, यह हमेशा बिजली के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसमें हमेशा यह बल्ब जलता ही रहता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो जो हमारा मॉस्किटो रिफिल होता है, उसके साथ में यह जो जिसमें हम मॉस्किटो रिफिल को लगाते हैं, यह जो मशीन होती है, यह मशीन एक्चुअल में यह हीटर होती है, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर हीटर लगा हुआ होता है। अब मॉस्किटो रिफिल की जो रॉड होती है वो यहीं पर हीटर के बीच में आकर के यहीं पर आती है, और फिर जब हम मॉस्किटो रिफिल को इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ते हैं तो यह जो मॉस्किटो रिफिल है उसका जो हीटर है वो ऑन होता है, और इस जो रॉड है उसको गर्म करता है, और उससे क्या होता है कि जो वाष्प है, इसमें जो केमिकल पड़ा हुआ है वो निकलता है, ठीक है, मच्छर को भगाने के लिए। तो एक्चुअल में ये हीटर होता है हमारा, और ये हीटर ऐसा नहीं है जिसे मान लीजिए रात को आपने इसको ऑन कर दिया, इस रिफिल को रात को आपने ऑन कर दिया और सुबह उठे आप भूल गए, तो एक ज़ूम कर लीजिए कि अगर यह जो मशीन है, एक एज्यूम कर लीजिए, कम से कम मान लीजिए 30 वाट का तो ये होगा ही होगा, ठीक है, 30 वाट का होगा। और अगर ये 30 वाट का है और आपने रात भर चलाया, 12 घंटे चलाया, और आप दिन में भी भूल गए, तो एक एज्यूम कर लेते हैं आपने 20 घंटा चला लिया, तो 2×3 = 6, ठीक है, और 2 0 और बढ़ा लेंगे तो 600 वाट की बिजली खपत कर देगा। कितने देर में? 20 घंटे में कर देगा। और यदि आप महीने में कुछ नहीं, अगर आप 10 दिन भी यदि आपने कर दिया है तो कितना हो गया, 6 × 6 = 3 0, 6000 वाट, मतलब हो गया 6 यूनिट की बिजली खपत हो गई। और अगर यही चीज 12 महीने यदि आपने कर दी तो सोचिए आपने कितनी बिजली की खपत कर दी, बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि जब आप रात में इस मॉस्किटो रिफिल को जलाएं, सुबह उठ करके आप तुरंत इसको बंद कर दें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तीसरी चीज़ है कि यह जो हमारा रेफ्रिजरेटर हमारे घरों में लगा होता है, इसके पीछे साइड में देखिए यह क्वाइल ये सब लगा होता है, यहाँ पर जो कंप्रेशर वगैरह लगा होता है, तो लोग क्या करते हैं, इसको ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसको दीवार से एकदम चिपका कर रखते हैं। अब क्या होता है कि जब फ्रिज हमारा चलता है तो ये पीछे वाला जो कंडेंसर वाला एरिया होता है,
इससे क्या होता है हीट बाहर निकलती है। अब बीच में एकदम एकदम चिपका के आपने लगा रखा है तो हीट पूरी बाहर निकल नहीं पाएगी, तो आपका जो ये रेफ्रिजरेटर है यह जल्दी कूल नहीं हो पाएगा, ठंडा नहीं हो पाएगा, और ठंडा नहीं होगा तो क्या होगा कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, कंप्रेसर ज़्यादा देर तक चलता रहेगा तो इससे भी आपकी बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होगी। तो कम से कम आप 1 फिट से लेकर के 1.5 फिट तक की दूरी दीवार से आप बना कर रखें तो यह आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ साथ यह हमारा जो मोबाइल चार्जर है इसको भी लोग क्या करते हैं कि मोबाइल तो चार्ज करते हैं और मोबाइल चार्ज करने के बाद इसकी जो स्विच होता है उसको ऑन ही छोड़ देते हैं। अब आजकल तो नए नए मोबाइल चार्जर आ गए हैं, वो 150 वाट तक के मोबाइल चार्जर हैं। अब ये मोबाइल चार्जर जब ये ऑन रहते हैं तो ये 150 वाट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सर्किट वगैरह लगा होता है, ट्रांसफार्मर वगैरह लगा होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी की खपत करता है। मान लीजिए वो 150 वाट नहीं करता है, अगर 100 वाट की ही बिजली की खपत कर रहा है और आपने मान लीजिए 10 घंटे तक इसको दिन भर में यदि आपने ऑन रखा तो कितना हो गया, सीधे सीधे 1 यूनिट आपने बिजली खर्च कर दी पर डे, और 30 दिन में कितनी हो गई, 30 यूनिट की बिजली आपने खपत कर दी। ठीक है, अब अगर 7 रुपये यूनिट है तो कितना हो गया, 7 × 21 210 रुपये का तो आपने कोई चार्जर से आपने बर्बाद कर दिया। तो आप चार्जर की जो सप्लाई है उसको आप तत्काल बंद कर दें। अगर आपने कहीं पर भी आप 100 वाट का बल्ब लगा रखे हैं तो उसको हटा करके आप LED बल्ब का उपयोग करें। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी। अब इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर पुराना पंखा लगा हुआ है, ठीक है, तो पुराना पंखा लगा हुआ है तो उसको हटा करके नए पंखे लगा लीजिए। जो नॉर्मल पंखे हैं वो भी आजकल बहुत कम वाटेज के आ गए हैं, 50 वाट तक का आ गया है पंखा, या आप BLDC फैन का उपयोग करें, जो कि BLDC फैन है वो 25 वाट से 35 वाट के बीच में आता है, क्योंकि काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी की बचत करता है। और पुराने पंखे आप हटा देते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, 600-600 वाट के पंखे होते हैं। ठीक है, तो इन पंखों को आप हटा करके BLDC फैन या आजकल जो पंखे आ रहे हैं उन पंखों का आप उपयोग करें तो इससे भी आपकी बिजली बचत होगी। इसके साथ साथ ये जो आपका वाटर पंप है, वाटर पंप को भी आप जब टंकी खाली हो जाए तभी आप चलाएं, ऐसा नहीं कि बार बार आप इसको चलाते रहें, तो क्योंकि यह जो वाटर पंप होता है यह नॉर्मली 1 HP का वाटर पंप होता है, और जब जब इसको आप ऑन करेंगे तो ऑन होने में जो इलेक्ट्रिसिटी की है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा खपत होती है। तो जब एक बार टंकी खाली हो जाए तभी आप इस वाटर पंप को ऑन करें, अदरवाइज इसको बंद रखें। यदि आपके घर में इस प्रकार से TV है, पुरानी वाली TV है जो ट्यूब होती थी, उस अगर यह TV है तो इस TV को आप हटा करके LED TV का आप उपयोग करें। क्या होगा कि यह जो TV होती थी ना, इसमें स्टार्ट होने में अंदर ट्यूब वगैरह होती थी, तो जब स्टार्ट होती थी तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत करती थी। तो अगर आपके घर में ये लगा हुआ तो इसको हटा करके आप LED का उपयोग करें। ये 50 वाट से लेकर के 100 वाट के बीच में यह LED TV होती है, और ये वाली TV 200-200 वाट 250-250 वाट की होती थी, तो आप इसको हटा करके आप जल्दी से जल्दी हो सके LED TV का उपयोग करें। इसके साथ साथ 5-स्टार रेटिंग के उपकरण आप लगाएं, जो भी आप उपकरण खरीदें वो 5-स्टार रेटिंग का ही खरीदें, क्योंकि जितना ही ज़्यादा स्टार रेटिंग होगी उतना ही ज़्यादा आपकी बिजली की बचत होगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो जान लेते हैं। देखिए, आपका जो बिजली का मीटर होता है वह बिजली के मीटर में एक डिमांड होता है, आप डिमांड करते हैं कि आपका घर का बिजली का खपत कितना है। एक एज्यूम कर लेते हैं कि जब आपने मीटर लगवाया था तो आपने कह दिया था कि 2 किलोवाट का हमारा बिजली की खपत है, लेकिन अब आपके घर में सामान बढ़ता गया, उपकरण बढ़ते गए, तो क्या हुआ कि यह जो 2 किलोवाट था अब यह 2 किलोवाट बढ़ गया, मान लीजिए 3 किलोवाट हो गया, तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ गई। अब यहाँ पर आपको मैनेज करने की ज़रूरत है कि घर का जितना भी लोड है, जितने भी आपके घर में ये सारे लोड लगे हुए हैं, इन सभी लोड को आप एक साथ ना चलाएं, खास करके जो बड़े लोड है जैसे वाटर पंप है, जब आप वाटर पंप को चलाएं तो उस वक्त दूसरा कोई भी उपकरण जैसे मिक्सी वगैरह ये सब चीज़ें ना चलाएं, क्योंकि सारा का सारा लोड यदि आप एक बार में चलाएंगे तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और उससे भी आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो लोड है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाएं, कोई बड़ा लोड जब चलाएं तो उसके साथ में मतलब 2-3 बड़े लोड आप ना चलाएं। जैसे कि मान लीजिए आप अगर वाटर पंप चला रहे हैं तो इसके साथ में जो प्रेस है उसको आप ना चलाएं, क्योंकि प्रेस जो होता है आपका वह 2000 वाट के आसपास का होता है। या जैसे कि मान लीजिए गीजर है, ठीक है,
गीजर है इसको भी आप ना ऑन करें, ये भी लगभग 2000 वाट का होता है। तो आप एक सिस्टमेटिक ढंग से चलाएंगे तो आपका जो डिमांड है वो ज़्यादा नहीं पड़ेगा और उससे भी आपका बिजली का बिल कम आएगा। तो ये कुछ 7-8 तरीके मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। इनका यदि आप उपयोग करते हैं तो निश्चित बात है आप 40% तक बिजली की बचत आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से आप बिजली की बचत कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों का शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा तक, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।